सरहद पर तनाव है क्या? पता करो, तनाव है क्या? राजधानी में 3 MLA के घर कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है, मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने, जो आता है दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हम तो फिर जीत जाएंगे। श्री भागवत मान जी परसीमान माननीय है, और श्रीमान जितना आपने टोका टुकी करी है ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बात बात पे मेरा प्रधानमंत्री कुछ मेरा नहीं है। अब चलो सबके मुझे, आपने मुझे मौका दिया अन अधिकृत कॉलोनियों को जो नियमित करने का ये बिल है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट में हूं। हालांकि मेरी पार्टी की सरकार, अब मेरी हमारी हमारी पार्टी की सरकार है आम आदमी की, लेकिन 7,500 करोड़ मान्यवर 7,500 करोड़ वहां पे खर्च कर दिया, यहां यहां पानी ही नहीं पहुंचा था 70 साल से, 70 साल से पानी नहीं पहुंचा था वहां पे, जहां पे टैंकर माफिया था। नहीं नहीं टैंकर माफिया था तो यहां तो फिर कांग्रेस और दोनों की थी ना, हमारी पार्टी की सरकार तो सिर्फ पिछले दिन ही आई है ना, पिछले कुछ सालों से। तो अब दिल्ली के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई जो है वो ऐसी कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं, तीनों तीनों एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जी ये हो गया सर 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 इन इनको इसका मतलब इनको इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया जो इनको पता ही नहीं। हाँ दुख दुख बहुत है भाई, इनको दुख बहुत है भाई, दुख है क्योंकि क्योंकि वो दिल्ली नहीं जाएगी, अगली बार भी दिल्ली जीत रहे हम तो क्या करें फिर। अब देखो ये मेरी मेरी कर रहे हैं, दिल्ली इनकी नहीं है, दिल्ली अब इनकी नहीं है, राजधानी में, राजधानी में 3 MLA हैं, राजधानी में 3 MLA मान्यवर, राजधानी में 3 MCD किसकी है, DDA किसका है, वो सब आपका है। अब रविदास का मंदिर तोड़ देते हो सब कुछ हो जाता है, तो अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? बैठिए बैठिए विदुड़ी साहब, आराम से बैठिए। मतलब मान्यवर मान्यवर मतलब राजधानी में 3 MLA के घर कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है। माननीय सदस्य माननीय सदस्य मतलब दिल्ली में तो दिल्ली में तो माननीय सदस्य दिल्ली में माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य माननीय सदस्य को बोलने दे, और माननीय सदस्य आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय तो आप पॉलिटिकल भाषा बोल सकते नहीं, आप इस विधेयक पर बोलिए। हाँ विधेयक पर बोलिए। 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया, 16 लाख घरों का जीरो बिल आया, तो किसने किया ना जी? अरविंद 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 मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने, जो आता है दिल्ली दिल्ली दिल्ली। सर मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है, आपके जरिए सरकार को भी आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे।
बिल में लिखा है कि जीतने हारने का? हम जीत जाएंगे फिर। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का? बस जीत जाएंगे सर। तो लेकिन इनको तो चुप करवाइए, इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस। हाँ एमसी दिल्ली में तीन सरकारें हैं सर, एमसीडी, डीडीए और अरविंद केजरीवाल। मतलब बैठिए माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य ज्ञान दे रहे हैं आपको, लीजिए। राजेशन के बिल पर हम बहस कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के कार्यकलाप पर बहस नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के कार्यकलाप पर बहस करना हो तो उसके लिए अलग से समय तय कर दीजिए, डिबेट हो जाए। ठीक है माननीय सदस्य। सर मैं इनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन पिछले तीन घंटे से यही हो रहा था जो अब ये कर रहे हैं। दो गालियां गालियां धरती पर हैं, बैठिए वो हमें एक मिनट बैठिए, हो रहा होगा। मेरी मौजूदगी में विधेयक के अलावा कोई शब्द बोला ज्यादा इसके अलावा तो मैं नेक्स्ट माननीय सदस्य को बुला दूंगा। बोलिए आप बिल पे बोलिए। थैंक यू वेरी मच, अब मुझे मौका मिला है। आप भी शांत रहिए, इनको बिल पे बोलने दीजिए। मान्यवर मैं बहुत बड़ा स्टायरिस्ट हूँ, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूँ। मैं अपने आप को मान साहब कह के बुलाता हूँ। चैटी बिगिंस एट होम। अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो फिर मुझे कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा फिर। तो सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं ये लोग? देखो हम अन्य अधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बिल जो कैबिनेट ने 2015 में नवंबर 2015 में कैबिनेट ने पास कर दिया था, जो दिल्ली की कैबिनेट ने, अब तक लागू क्यों नहीं किया? अब आ गया क्योंकि इलेक्शन आ रही है सर। ज्यादा जोर से मत बोलो, दारा 3PDP भी लग जाएगी। नहीं सर, सर मेरा गला बहुत कमाल है। नहीं इसको जार जार से तो बोल दबा रहे हो ना, अब आप तो दारा 3PDP लग जाएगी आपके। मान्यवर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ये बिल अब क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव है। राहत इंदौरी का एक शेर है, वो कह के मैं बैठ जाऊंगा ही, कि सरहद पर चुनाव नहीं, सरहद पर तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या? श्रीमती मीनाक्षी लेखी